हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू DMGS क्लासेस। दिस इज सीमा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज डिस्कस करेंगे मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, सबको एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, ठीक है। तो उससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि इंडियन पॉलिटी के रिगार्डिंग जितने भी वीडियोज़ अपलोडेड हैं प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही यूज़फुल रहेंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, ओके। और चैनल पर अगर पहली बार आप लोग विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं DMGS क्लासेस के नाम से, ओके। चले फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जिस प्रकार भारतीय संविधान में नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से अधिकारों के साथ साथ उनके कुछ कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया है संविधान में, ठीक है। तो क्या क्या कर्तव्य हैं तो उसको देखेंगे। 11 कर्तव्य हैं। मूल कर्तव्य कितने हैं तो आपको ध्यान रखना है कि 11 कर्तव्य हैं, ठीक है। और एक बेसिक बात और है कि वही रशिया यानी कि रूस के संविधान से इसको लिया गया था, इतना आपको ध्यान में रखना है। अभी हम लोग 11 के 11 मौलिक कर्तव्यों को पढ़ेंगे। याद करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आप पढ़ लेना है, सुन लेना है, समझ लेना है। बाद में इससे बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं उनको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं, उसके बाद उससे बनने वाले प्रश्नों को भी देखेंगे। चलिए पहला हमारा मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, ठीक है। पहला हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है कि हमें संविधान का पालन करना चाहिए और उसमें जितने भी आदर्श हैं, उसमें जितनी भी संस्थाएं वर्णित हैं, है ना, और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ध्यान देना यहाँ पे राष्ट्रगान का वर्णन है, राष्ट्रगीत का वर्णन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो राष्ट्रगान यानी कि जनगण मन का उल्लेख यहाँ पर है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम का उल्लेख यहाँ पे नहीं किया गया है, है ना। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट कर्तव्य क्या है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमारे देश के जिन हस्तियों ने आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उनको हमें उनके आदर्शों को हृदय में संजो के रखना है और उनके आदर्शों का पालन करना है। नेक्स्ट है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, ठीक है। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। जब राष्ट्र किसी मुश्किल में हो, किसी परेशानी में हो, अगर आपको बुलाया जाता है तो आपको हर समय तैयार रहना चाहिए राष्ट्र की सेवा करने के लिए, ठीक है। ये आपका मौलिक कर्तव्य है। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग किसी भी तरह से भेदभाव नहीं करना चाहिए, समान भ्रातृत्व की भावना होनी चाहिए सभी लोगों में, ठीक है। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सेवेंथ है प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, ठीक है, इनकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इसको ध्यान रखना है। वन, झील, नदी और वन्य जीव, ठीक है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि किसका वर्णन है किसका नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना हमारा मौलिक कर्तव्य है और हिंसा से दूर रहें, ठीक है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न पर उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू लें। हमें व्यक्तिगत तौर पर और सामूहिक तौर पर ऐसी गतिविधियों में भाग लेना चाहिए जिससे कि राष्ट्र को ऊंचाई मिले, राष्ट्र आगे बढ़ सके, ठीक है। और 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बच्चों के माता पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षक उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। शिक्षा का अवसर प्रदान करें, ये किसका मौलिक कर्तव्य है? माता पिता और उनके संरक्षक का, ठीक है। एक बात ध्यान देना कि पहले जो मौलिक कर्तव्य थे उनकी संख्या कितनी थी? 10 थी। ये पूछा जाता है प्रश्न कि पहले मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी। 11वां जो मौलिक कर्तव्य था ये जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 को जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है इसमें? 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे, ठीक है। ये उनका मौलिक कर्तव्य है। ये 86वां संविधान संशोधन है और कब जोड़ा गया था? तो 2002 में। इसको ध्यान रखेंगे। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोग पढ़ रहे थे भाग वाला चैप्टर, तब, ठीक है।
चलिए अब देखते हैं कि प्रश्न कौन कौन से बनते हैं एग्जाम में, और पहले जो जो बने हैं प्रश्न उन सबको डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न बनता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। तो सबसे बेसिक प्रश्न बनता है कि किस अनुच्छेद में इनको रखा गया है, तो कौन सा अनुच्छेद है बताइए। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51A में। ठीक है, अनुच्छेद के ये जो ए बी सी होता है ये संविधान संशोधन है। ठीक है, संविधान संशोधन के द्वारा ही मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। और कौन सा संविधान संशोधन था, तो 42वां संविधान संशोधन था। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। 42वें संविधान संशोधन के उपरांत मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51A में रख दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया था। तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, अभी हमने बताया, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे, बताइए किसकी संस्तुति पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ही मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था। ठीक है, हमने देखा कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया था, और ये 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1976 में किया गया था। ठीक है, 1976 में, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईयर भी याद रखिए और कब कौन सा संविधान संशोधन था, तो इसको भी याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है। तो भाग भी इंपॉर्टेंट है, किस भाग में है ध्यान में रखना है आपको, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, भाग 4 क में या भाग 4A में। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है, और भाग 4 में क्या है, तो नीति निदेशक तत्वों का वर्णन है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है। देखिए अनुच्छेद वाला क्वेश्चन फिर से आ गया, ये भाग हुआ अनुच्छेद हुआ, कहाँ पर संविधान में इनको जगह दी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बनता है क्वेश्चन, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। भाग है 4A या 4 क, और अनुच्छेद की अगर बात करें तो अनुच्छेद है 51 का क। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है इनको हमें बताना है। तो पहले पढ़ते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें, ये भी है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, ये नहीं है। देखिए अस्पृश्यता का अंत कहाँ पर दिया गया है, तो वो मौलिक कर्तव्यों में मौलिक अधिकारों में दिया गया है, राइट। अस्पृश्यता मिटाने का ये हमारा कर्तव्य नहीं है, ये हमारा अधिकार है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 याद होगा आपको। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, ये भी है हमारा मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रेंड्स आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और फेसबुक पेज पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके अलावा वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होता है, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। निम्नांकित में से कौन एक गलत है, अब इसमें गलत बताना है, तो चलिए पूरा पढ़ते हैं। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, तो मौलिक कर्तव्य अलग है, मौलिक अधिकार अलग है, इसका हिस्सा नहीं है, है ना, तो यही गलत हो गया। तो पढ़ लेते हैं सारे, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, हाँ ये सही है। भारतीय संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य शामिल है, ये भी राइट है। अनुच्छेद 51A में प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है, ये भी करेक्ट है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो भाग 2 नागरिकता सही सुमेलित है, बिल्कुल सही है। भाग 3 मूल अधिकार है, ये भी बिल्कुल सही है। भाग 4 नीति निदेशक तत्व सही है। भाग 5 मूल कर्तव्य नहीं, मूल कर्तव्य किसमें है हमने अभी आपको बताया, तो मूल कर्तव्य है 4 के क में। ठीक है, तो ये सुमेलित सही नहीं है,
तो हमसे नहीं ही पूछा है क्वेश्चन में, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 भाग 5 जो है मूल कर्तव्य में नहीं रखा गया है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड सभी प्रश्नों को हमने देख लिया है, समझ लिया है, इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।